fantasy and the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. सभी लोग अगली दीपावली तक, मतलब अगली दीपावली तक तो एमरल्ड, स्टार एमरल्ड, रूबी, स्टार रूबी, ये सब मतलब लाइन लग जाए सबकी, तो ऐसी शुभकामनाएं है सब लोगों के लिए, सबके लिए। और आज नेचुरली है कि आज अभी 8 बजे का टाइम, पूजा का टाइम, हमारा भी प्रोग्राम इस वक्त हो रहा है, फिर भी आप इतनी संख्या में लोग हैं और यूट्यूब पे भी चले जा रहे हैं। और आज मतलब कि स्पेशल दिन है, देखो आज वैसे तो खैर दीपावली है तो इतना खास दिन है, इतना खास दिन है, इसका एक अलग महत्व है, इसका अलग महत्व है, जिसमें जिसमें कहते हैं ना दीप प्लस अवली, दीपों की पंक्ति जिसको बोलते हैं कि एक साथ दीपक रख देते हैं, तो ये हर वर्ष बड़े जोरदार तरीके से मनाया जाता है ये। और भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है दीपावली, दीपों का त्योहार है। और आध्यात्मिक रूप से ये अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है, मतलब अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। हिंदुस्तान में मैं कहता हूं बार बार 95% लोग अंधकार में है और उनको प्रकाश की विजय पे लाना है, और ये दीपावली का त्योहार इसीलिए मनाया जाता है। तो ये दीपावली का त्योहार और आरजीएम का विजन एक ही लग रहा है, क्योंकि दीपावली का त्योहार भी अंधकार पर प्रकाश की विजय है और आरसीएम भी जो है गरीबी पे वार है, एक्चुअली गरीबी पे प्रकाश की विजय है। तो भारतवर्ष में जो मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको दीपोत्सव भी कहते हैं। और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात हे भगवान मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए, ये मतलब कि बड़े बड़े शास्त्रों में लिखा है। और इसको सिख है, हिंदू है, बौद्ध है, जैन धर्म वाले लोग हैं बहुत ज्यादा मना रहे हैं इसको। और जैन धर्म में, हमारे धर्म में तो लोग इसे महावीर, जो हमारे महावीर भगवान है, के मोक्ष दिवस के रूप में भी मनाते हैं, तथा सिख लोग इसको बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष वनवास के पश्चात लौटे थे, मतलब क्या कहते हैं ना, जंगल में जब गए थे तो राजा राम गए थे, तो उसके बाद वो वापस लौटे थे। तो अयोध्या वासियों का हृदय अपने प्रिय राजा के लिए, उसके आगमन के लिए प्रफुल्लित हो उठा था, और श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे। और कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी थी। तब से आज तक भारतीय प्रतिवर्ष ये प्रकाश वर्ष, प्रकाश पर्व हर्ष व उल्लास से मनाते हैं। और भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है, झूठ का नाश होता है। और आरसीएम भी सत्य की सदा जीत वाला है और झूठ का नाश करने वाला है। दीपावली यही चरितार्थ करती है कि अस्तो मां सदमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व ही दीपावली की तैयारी आरंभ हो जाती है, लोग अपने घरों में, दुकानों में सफाइयां करते हैं, रंग रोशन करते हैं, और मतलब कुल मिला के एक नयापन आ जाता है, एकदम न्यू, पुराना जो ना सारी गंध हट करके एकदम नयेपन में आ जाते हैं। तो हम भी आरसीएम में पुराने जितनी भी गलतियां की है, लपड़े किए हैं, या गलत सोचा है, समझा है, सबको मतलब सबसे पहले तो हम क्षमा चाहते हैं कि किसी प्रकार की गलती हुई हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। पूरे विश्व में दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, तो एक ऐसे शानदार पर्व के लिए तो मैं सबसे पहले तो सबको बहुत 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 दिल से शुभकामनाएं देते हुए कहता हूं कि हम लोग जो है अगली दीपावली तक, मतलब अगली दीपावली तक तो मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग कसम खा लेंगे, ये जो अंधकार भरा जो जीवन है उससे हम प्रकाश की तरफ आ जाएंगे, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम प्रकाश की तरफ आ जाएंगे। तो ऐसा हमें मतलब जो है करना है कि जिससे कि हम अंधकार से प्रकाश की तरफ आ जाएं। तो मुझे लग रहा है कि जो है स्क्रीन शेयर लग रहा को हुआ नहीं है, तो मैं दोबारा स्क्रीन शेयर के माध्यम से आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो अगेन हैप्पी दिवाली और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और प्रकाश व खुशियों के महापर्व दीपावली में आपके जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि आए, दिल से शुभकामनाएं। और दिल से मैं कहता हूं कि आरसीएम में जो आपने निर्णय लिया है
उसकी वजह से आप इस रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, टेक्निकल जाएंगे, और टेक्निकल में अलग अलग मुकाम है जिसमें एमराल्ड स्टार, एमराल्ड रूबी स्टार, रूबी डायमंड, जो भी अपने मुकाम है वो हासिल करेंगे आप। और वो अगली दीपावली तक हमें लक्ष्य बनाना है कि एक साल में हमें कम से कम रॉयल्टी से लेकर के टेक्निकल में किसी पिन पे आना है, और जो लोग टेक्निकल ऑलरेडी है वो एमराल्ड स्टार, एमराल्ड रूबी, रूबी स्टार जा सकते हैं, तो वो हमें जाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और उसके साथ में जो क्या बोलते हैं कि अपना आज का दिन वैसे खास क्या है, आज स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट से इंडिया के, मतलब मैं कहूंगा कि आने वाले समय के सबसे बड़े ट्रेनर के रूप में कोई उभरेंगे, वो व्यक्ति आज हमारे बीच में होंगे, आज वो हमारे बीच में होंगे। और उनकी ट्रेनिंग जब दिल्ली में हुई, जब वो दिल्ली में 16 अक्टूबर को आए थे दिल्ली में, जब उनका स्टेज पे परफॉर्मेंस हुआ, तो साफ लग गया कि इंडिया में ऐसा कोई भी ट्रेनर नहीं है जो इतना जोश के साथ में, होश के साथ में, एजुकेशन के साथ में, एजुकेटेड, जो मतलब कि यंग एंड डायनेमिक है, जो जिनका सफर ही अभी शुरुआत है, जिन्होंने 1000 लोगों को, 1000 सीए को ट्रेनिंग दी है, उनको पास कराया है, ऐसे व्यक्ति भी आज हमारे बीच में है। और उनकी ट्रेनिंग मैं कह रहा हूं कि मतलब कि अमूल्य है, वो अमूल्य ट्रेनिंग भी आज हमें मिलने वाली है। आप कितने लकी हैं कि इस आज के इस प्लेटफॉर्म पे, एवरी मंडे 8 PM जय RCM के प्लेटफॉर्म पे, इंडिया के आने वाले समय के सबसे बड़े ट्रेनर जो मैंने घोषणा की है, जो मैं बोलता हूँ वो होता है, ऐसा मेरा मतलब मानना है। और मैं क्यों, मैं दिल से बोलता हूँ कि मेरे को दिखाई देता है कि ऐसा होगा तो वो हो जाता है। और आज बिल्कुल संकेत जैन जी को जब दिल्ली के प्रोग्राम में लोगों ने देखा, तो उस प्रोग्राम के बाद सबको वो नजर आ रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं कि यार ये संकेत जी मतलब कि इनकी ट्रेनिंग हमें लेनी है। तो आज तो उनका एक क्या क्या बोलते कहते हैं ट्रेलर होगा आपके बीच में, उनकी जो मतलब कि जो है उनका जो रूप है वो देखने के लिए, तो आपको जो है बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको बुलाएंगे, बड़े बड़े स्टेडियम में बुलाएंगे आपको। तो आज फिर भी हम लोग लकी हैं कि एवरी मंडे 8 PM में आज उनके हमारे बीच में दर्शन हो रहे हैं, तो आज उनकी ट्रेनिंग भी मिलेगी हमें हाफ एन आवर की। तो एवरी मंडे 8 PM जय RCM 101 हफ्तों से लगातार आप लोगों ने हिट बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, क्योंकि अब तो बस जीतना है, अगले दीपावली से पहले पहले जीतना है, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है इंडिया के पास भी, मैं बार बार कहता हूं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, अब तो बस जीतना है। तो अब जब बस जीतना है, तो जीतने के लिए जो ये कहानी कही जाती है कि भाई के एक बार, एक पुराने समय की कहानी है, एक राज्य था, एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी, राजा को सूचना दी कि भाई पड़ोसी राज्य वाले हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने बताया कि भाई हमला करने वाले हैं और सब खबर पक्की है, मतलब राजा को बोल दिया कि खबर पक्की है अपने ऊपर हमला होने वाला है, हम छोटे से देश हैं, बड़ी सेना हमारे बीच आ रही है, और सिर्फ तीन दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य वाले हमारे को मार देंगे और हम यहाँ खत्म हो जाएंगे और हमारा राज्य छीन लेंगे। ये बात पता चल गई 3 दिन पहले छोटे राज्य के राजा को पता चल गई। और ये बात जब पता चली, तो राजा के चतुर मंत्री ने एक एडवाइस दी राजा को कि राजा साहब एक काम करते हैं कि हम एक काम करते हैं, हमारा मरना तो फिक्स है, तो हम एक काम करते हैं कि पहले हम उस पड़ोसी राज्य पर उल्टा हमला कर देते हैं। तो राजा ने बेहद चिंतित हुआ और राजा बोला, मंत्री जी हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है, अभी उस राज्य पर हमला कर देंगे तो वो संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ संभावना तो बनेगी, वैसे भी हम पर हमला होने वाला है तो इतनी विशाल सेना, हम तो यूं ही मरने वाले, तो क्यों ना हम उल्टा हमला कर देते हैं। अब उसने एडवाइस दी मंत्री ने राजा को, और वो वैसे भी हमें 3 दिन बाद मारने वाले हैं, तो क्यों ना कुछ न करने से हमें ये तो कर सकते हैं कि उस पर हमला कर दें। तो राजा को ये बात बड़ी अच्छी लगी और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि चलो यार युद्ध करेंगे और हम पहले हमला कर देते हैं। तो वो छोटा सा राज्य की सेना ने डिसाइड किया और वो चल पड़े,
चल पड़े उस पे अटैक करने के लिए, उल्टा बड़ी सेना पे अटैक करने के लिए चल पड़े, और वो पुल क्रॉस करके इस सेना, और सेना को पुल क्रॉस करके पूरी अपनी जो जनता थी जनता को सेव कर दिया और पुल के उस पार चले गए जिस पार से वो सेना आने वाली थी, और उस पे धावा बोलने के लिए वो चले गए और उस पुल को उन्होंने जला दिया, पुल को वहां से मतलब उसको ब्लास्ट कर दिया पुल को, कि भाई के अब तो हम जीत के आएंगे क्योंकि हमारी जनता तो सुरक्षित रहेगी और हम जीत के आएंगे क्योंकि हमारे वापस आने की संभावना ही खत्म कर देते हैं। तो उन्होंने निर्णय लिया कि भाई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं है, सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ में लड़ेंगे और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया। अब आप सोचोगे वो तैयार नहीं हो पाई, उससे पहले वो घुस गए और उन्होंने उसको हरा दिया, और इस एटीट्यूड के साथ में ही साथ में कि हमारे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, और वो कोई ऑप्शन नहीं होने की वजह से जीत गए और छोटी सेना बड़ी सेना पे भारी पड़ गई। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध में भी हुआ था, तो उनके कितने हजारों सैनिक आ रहे थे पाकिस्तान के, लेकिन इंडिया की एक रेजिमेंट थी जो कि बहुत छोटी सी रेजिमेंट थी, उन्होंने यही दिखाया था जज्बा और वो पाकिस्तानियों को हरा दिया था 2-3 हजार सैनिकों को। सेम इसी कहानी के आधार पे उन्होंने भी हराया था, इंडियन सैनिकों ने भी ऐसे हराया था पाकिस्तानियों को। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, इस कहानी का मैसेज है, जब आपके पास में प्लान बी नहीं होता है ना, आपके पास में सिर्फ प्लान ए होता है, मतलब फोकस होता है कि बस एक यही करना, एक साल तो इस पे लग जाए, यदि कहते ना कि 10-20 चीज पे यदि नजर रखेंगे तो मैं एक भी चीज पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन एक पे नजर रहेगी, एक पे फोकस होगा, ए प्लान पे फोकस होता है ना, तब उसके पूरे होने की संभावना बहुत अधिक होती है। जब आपके पास में रास्ता सिर्फ एक होता है कि अगर नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, संभावना बढ़ जाती है, उसमें कामयाबी होने की 100% संभावना हो जाती है। तो हर कामयाब इंसान का एक वक्त आता है जब उसको लगता है कि अब अगर मैं कुछ नहीं किया तो बर्बाद हो जाऊंगा, और वो कर लेता है। तो मेरा मतलब यहाँ पे यही है कि ये अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली है कि ये अगले दीपावली तक हम इसको कर जाएंगे। मतलब आप ये मान के चलो दूसरा प्लान में इधर उधर 10 प्लान करने जाएंगे तो एक प्लान में भी कामयाब नहीं होने वाले, और एक ही कामयाबी में लग गए तो हमारी पक्की कामयाबी हो जाने वाली है। तो ये इससे हमें यही सीखने को मिल रहा है कि बस हमें मतलब फोकस हो जाना है, एक्साइटेड रहना है, और लगातार 1-2 साल कर लिया तो जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी तो इंडिया में है ही नहीं ना। तो आप कुछ भी कर सकते हो, एक बार प्रयास तो करो, और ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल यस आई कैन डू इट होना चाहिए, और जिंदगी में फैसला कर ही लिया है आगे बढ़ने का तो फिर पलट कर मत देखो। अगली दीपावली तक तो रॉयल्टी टेक्निकल एमराल्ड क्या पिन पे डेट डालते हो, डेट डाल दो, क्योंकि पलट कर पीछे देखने वाले इतिहास नहीं रचा करते, जीतने की इच्छा करने वाले कभी हारने के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है सिर्फ जीत ही देती है, मतलब ये हार का यहाँ कोई चांस नहीं है, सिर्फ जीतने का ही यहाँ पे है, तो इसमें हारने के बारे में सोचने वाले को जीता नहीं करते हैं, मतलब विनर्स नेवर क्विट और क्विटर्स नेवर विन वाली बात है। तो समस्या पर ध्यान केंद्रित करोगे तो लक्ष्य से ध्यान भटकेगा, और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो समस्या से ध्यान हट जाएगा। तो अगली दीपावली तक ये लक्ष्य बना लेना हम सबको, रॉयल्टी टेक्निकल एमराल्ड स्टार एमराल्ड जो भी आपका लक्ष्य है वो बना करके आप प्लानिंग कीजिए। देखो सबसे पहले तो आप अपने ड्रीम को सेट करके डेट डाल दो, अगली दीपावली मैंने डेट डलवा दी, फिर विश्वास कर लो, फिर आप प्लानिंग करो कि मैं एक साल में क्या कैसे अचीव करूंगा, कितनी मीटिंगों में अटेंड करूंगा, एवरी मंडे में लगातार आऊंगा, फिजिकल मीटिंग में जाऊंगा, लोगों को ले जाऊंगा, लोगों को प्रमोट करूंगा, सेलिब्रेट करूंगा, ऐसा टारगेट बना करके आप काम करेंगे तो एक साल में आपकी क्या पिन है जो नहीं आ सकती है, हर पिन आपके पास आ सकती है। तो खुद पर भरोसा हो तो बिल्कुल अच्छा लगता ही है, और जीवन में कभी सही समय नहीं आता, ये बिल्कुल राइट टाइम है, ये दीपावली का समझ लो कि आज बिल्कुल राम जी का आशीर्वाद समझ लीजिए आज तो, और बिल्कुल आज का दिन बड़ा लकी दिन है, तो आज से ही हम लग जाते हैं इसके ऊपर। तो टाइम मनी सिक्योरिटी जैसी चीजें इंडिया में कोई दे सकता तो आरसीएम ले जाएगा, सिर्फ 5% लोगों के बीच में ले जाता है, 95% लोगों की हालत थोड़ी डाउन है इंडिया में, और 5% की बहुत अच्छी है, तो 5% में आरसीएम बिजनेस हमें ले जाता है, और
हम सब लोग कहते ना अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है, आज दीपावली का दिन है तो अंधकार से प्रकाश की ओर हम सारे के सारे अगले दीपावली तक आ जाएंगे। फ्यूचर बिजनेस है, 21वीं सदी का व्यवसाय है, अपने आप को बदल के काम करना है। शानदार कंपनी है, स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है, बैकग्राउंड सॉलिड है, 22 साल का इतिहास है, हाई क्वालिटी लो प्राइस है, हजारों प्रोडक्ट की तैयारियां हैं और हजारों प्रोडक्ट और 500 से ज्यादा प्रोडक्ट की एजेंसी आज हमारे बीच में है। सिर्फ कपड़े आरसीएम, बातें आरसीएम, खाना आरसीएम, पीना आरसीएम, चलना आरसीएम, सब कुछ आरसीएम कर दोगे तो आपकी जेबों में नोट आरसीएम ही आरसीएम के हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी कंपनी, सबसे ज्यादा डिपो, हाईएस्ट डिलीवरी मैनेजमेंट और सारा काम कंपनी करती है, रिसर्च डेवलपमेंट प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सारा कंपनी करती है। एक काम कंपनी नहीं करती है, मार्केटिंग। वो मार्केटिंग के सारे अधिकार हमें दे दिए गए हैं और हमें कहा गया कि भी आप सीखो, सिखाओ, सिखाना सिखाओ। और उसमें आप एवरी मंडे 8 PM JRCM में आ जाइए, जो सीखने सिखाने का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म इंडिया का लगातार चलता है। सारे आए चले गए लेकिन हम अभी भी लगातार चल रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही सिद्धांत है, जो लगा रहा वही रूबी स्टार, लगा रहा वही डायमंड। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग, गोल सेटिंग, और आज तो मतलब कि स्पेशल दिन है, मतलब आज ऐसी ट्रेनिंग मिलने वाली है, आधा घंटे में आज आप हिल जाने वाले हैं। तो आज तो बिल्कुल आप अपने जितने भी लोग अभी कुछ रह गए हैं ना, कोई पूजा उजा कर रहा है, उसको भी बुला लाओ, अभी भी बुला लाओ, अभी भी टाइम है। तो भाई ये तो हजारों रुपए की ट्रेनिंग फ्री में मिल रही है, ले लो इसको, तो लाइव वो भी 8 PM में, एवरी मंडे 8 PM JRCM में ले लो, जो 101 हफ्तों से लगातार नंबर 1 चल रहा है, आप ले लो साहब। इस बिजनेस में मैं बार बार कहता हूँ, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? कोई कहेगा भाई साहब मुझे तो मतलब स्वर्ग चाहिए, तो ये लो जी स्वर्ग भी मिल जाएगा, जीते जी स्वर्ग मिल जाएगा। पूंजीपति बनने का अवसर, लीडर बनने का, काम की आजादी, जीवन की सुरक्षा, व्यवहारिक ज्ञान, आत्मसंतुष्टि, बेहतर स्वास्थ्य, अधिक उम्र। अब बेहतर स्वास्थ्य और अधिक उम्र से ज्यादा क्या चाहिए? पूरे हिंदुस्तान को मैं बार बार कहता हूं, ऐसे तो 65-67 साल में मर जाएंगे, लेकिन यदि हमने बेहतर स्वास्थ्य और अधिक उम्र पे काम कर लिया तो हम 100 साल जियेंगे, 35 साल उम्र बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, ड्राई फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, हरी सब्जियां खानी पड़ेगी, प्रोटीन शेक लेना पड़ेगा और हमें मतलब कि शुद्ध प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। तो बस ये काम पैसे से होता है, और पैसा कहाँ से आता है? आरसीएम देता है। बस शुरू में आपको हो सकता है कि भाई आपको जो है एक साल में वो शानदार पैसा आ जाएगा ना, आप लाख रुपए महीने का अगले एक एक साल का 1 लाख का टारगेट बना लो ना, इतनी शानदार कंपनी के साथ जुड़ गए हो ना, और जिसमें सिर्फ करना क्या है, दुकान बदलो, तकदीर बदलो, इतना सा करना है। और केवल आरसीएम बिजनेस ऐसा जिसमें आप सो रहे होंगे ना तब भी पैसा बनता है, और 5 साल इस बिजनेस को दे दिया तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जैसे मैं कहता हूँ 5 साल का टारगेट लेकर बना लो तो स्टार रूबी तो कन्फर्म हो ही जाओगे आप। बस उसके लिए क्या है, बिना नागा के लगातार दिल से काम करना होता है। बस हमने तो 3 साल में किया ना, तो मैं तो यही कहता हूं, बस अगला जो लक्ष्य है, लक्ष्य अर्जुन की तरह होना चाहिए, और अगली दीपावली आपका लक्ष्य है, अगली दीपावली आपका लक्ष्य है, अगली दीपावली तक रॉयल्टी, टेक्निकल एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी स्टार जाना है, यही लक्ष्य है, यही दिखना चाहिए। खाने खाते, पीते, उठते, बैठते, चलते फिरते, सिर्फ एक ही नजर आना चाहिए, जैसे अर्जुन को सिर्फ जब उसने तीर चलाया था तो निशाना लगाया, वैसे आपका निशाना लगना चाहिए, ऐसा निशाना लगना चाहिए। और ये दीपावली खास है, रचना इतिहास है, ये दीपावली खास है क्योंकि इस दीपावली को लक्ष्य बन गया है, अगली दीपावली तक रॉयल्टी, टेक्निकल, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीना, जो भी आपको चाहिए आज से लग जाना है। लेकिन लगना कैसे है? अर्जुन की तरह है, आपके हर दिन, हर महीने व हर साल की प्लानिंग, गोल एक्शन ओरिएंटेड वर्किंग के पीछे ही आपकी डायमंड जाने का राज छिपा हुआ है। पिछली बार जब मैंने आदमी और गधे की कहानी सुनाई, जिसमें मतलब वो गधे पे, जब गधा गड्ढे में गिर जाता है और उसको कुछ नहीं सूझता, तो वो कहता कि अब मैं ही दफना देता हूँ, जानवर खा जाएंगे, और वो दफना के लेके एक्शन लेता है, मिट्टी डालता है तो पता चला गधा ऊपर आ जाता है। तो एक्शन से कुछ भी हो सकता है, तो एक्शन करना है। 4 घंटे कॉलिंग, 8 घंटे फील्डिंग कर लो, पार्ट टाइम कर रहे हो तो 2 घंटे कॉलिंग, 4 घंटे फील्डिंग कर लो, और एवरी मंडे 8 PM JRCM में आ जाओ, और अगले साल तक 1,50,000 के आदमी बन जाओ। इतना आसान तो पहले कभी था ही नहीं,
अब इतना सा इस दीपावली में ऊपर वाले से मांग लो, आशीर्वाद ले लो, दे दो वाली बात हो गई है। और आज तो खास खास दिन है हमारा, खास दिन है कि जिसमें ट्रेनिंग मिल रही है। अब आप सोचो इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेनिंग, हजारों रुपए की ट्रेनिंग आपको फ्री मिल रही है। और मैं तो यही कहूंगा कि इस ट्रेनिंग को, आज की ट्रेनिंग को तो बिल्कुल वीडियो भी बहुत वायरल हो जाएगा रेस। और सर की ट्रेनिंग हम मतलब फिजिकल ट्रेनिंग भी लेने वाले हैं, फिजिकल ट्रेनिंग जरूर लेंगे इनकी। मतलब इंडिया में ऐसा कोई स्पीकर, ऐसा कोई एजुकेशन, ऐसा कोई जोश नहीं डाल सकता जो आज हमारे बीच में ट्रेनर हैं संकेत सर डाल सकते हैं। तो आरसीएम को करने के तो बस पार्ट टाइम में मैंने बताई है आपको, पार्ट टाइम कर रहे हो तो 2 घंटे कॉलिंग और 4 घंटे फील्डिंग कर लो, आपकी 1 साल बाद में मतलब पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाने वाली है, पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाने वाली है। और बिल्कुल, और कॉलिंग कीजिए, मैं कह ही रहा हूं आपसे, नए लोगों से मिलो आप, और इतने सारे प्रोडक्ट की एजेंसी ले लो, इतने सारे प्रोडक्ट की एजेंसी, सारे ब्रांडों की एजेंसी फ्री में मिल रही है। लेकिन एक आम आदमी मतलब वो सोच ही नहीं पा रहा कि यार मैं भी कहीं बड़ा बन सकता हूं क्या, आज से सोचना चालू करो, अगली दीपावली तक धमाल करते हैं, फॉलोअप शानदार करते हैं, फॉलोअप कीजिए। अभी 2000 रुपए में पुरानी आइडिया एक्टिवेट हो रही है, करवा लो फटाफट, 6000 बिजनेस वॉल्यूम प्री डायमंड क्लब हो रहा है, करवा लो, फॉलोअप करो आप इसी महीने से, और अगले दीपावली तक आपकी रॉयल्टी, आपका टेक्निकल, आपका एमराल्ड, आपका स्टार एमराल्ड आपके हाथ में होगा दोस्तों, आपके हाथ में होगा। और मीटिंग में इनवाइट करो आप, जूम पे तो फ्री में लाओ ना लोग। तो मैं अभी मैं किसी से बात कर रहा था, अपने डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने एक 10,000 रुपए की ट्रेनिंग बुक कर ली कि सर हम ट्रेनिंग में जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं, और 4 आदमियों ने ट्रेनिंग बुक कर ली। और मैंने कहा यार कमाल है यार, सीखने के लिए 10,000 रुपए दे रहे हो आप, वहां जा रहे हो यार, आप तो रियल में यार बहुत बड़े बनोगे, मेरे तो शुभकामनाएं आपके लिए। और बड़ा अच्छा लगा कि यार 40,000 रुपए लगा के ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, हवाई जहाज से जा रहे हैं, एक आदमी 25,000 रुपए खर्च कर रहा है ट्रेनिंग के लिए 4 दिन के लिए, 50,000 रुपए खर्च कर रहा है 4 दिन के लिए। और एवरी मंडे 8 PM जय आरसीएम में हम आपको सारी ट्रेनिंग फ्री में दे रहे हैं। अरे लेके तो आओ भाई साहब, हल्ला तो बोलो, सबको लाओ तो सही, 1-to-1 होम मीटिंग कीजिए, लगातार सीखते रहिए, प्री डायमंड क्लब कीजिए। और ये प्री डायमंड क्लब का जो मैं बार बार बताता हूं, इस बात को आप समझो, पावर ऑफ डुप्लीकेशन को समझो, मतलब कि मात्र मात्र 2 व्यक्तियों की जिंदगी बदलो तो हमारी बदल जाती है। 2 लोगों को डुप्लीकेट कर दो, आपके पास ज्यादा नहीं है, नहीं चाहिए, 2 को ढंग से समझा दो और 2 को डुप्लीकेट करके 4 कर दो, 4 के 8 करके 1 साल में भी 100 कर दो आप 1 साल में, जबकि करोगे 2 से 4 ही करोगे आप, आपके पास 10 लोग ही होंगे, लेकिन 10 लोगों में से आप 10 को 100 बना लेंगे। और शुरू के 6 महीने में कम पैसे आएंगे, शुरू के 6 महीने में 10-12 आएंगे तो कितना 2-4-5 हजार आ जाएंगे, 10,000 आ जाएंगे महीने के। और रॉयल्टी पे आप जल्दी आपने 100 बना लिए तो आप 1 लाख पे ही पहुंच सकते हो, लेकिन धीरे भी चलोगे ना तो भी 10-12 प्री डायमंड क्लब एंड अबोव बना दोगे ना। और जैसे ही आपके ग्रुप में 100 से ज्यादा प्री डायमंड, डायमंड, सुपर डायमंड और इस टाइप के लोग तैयार हुए नहीं, सिर्फ दुकान बदली नहीं, और आप 50,000 से 1 लाख के आदमी बन जाओगे। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come.